तो जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए, यहाँ पे आज बनेगी चाउमीन। चाउमीन चाउमीन हम लेके आए थे, चाउमीन। तो ये गोभी है, ये शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, और यहाँ पे गाजर है। तो ये सब्जियां पड़ेंगी हमारे चाउमीन में। तो देखते रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा कि हम किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगी, कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है? चलिए मैं इनको ना काट लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अचानक से एकदम बारिश का मौसम हुआ, तो मेरा ट्राईपॉड कहाँ रखा है? और थोड़ी थोड़ी बारिश लगी भी, और अब एकदम से फिर से धूप आ गई, फिर से मौसम बढ़िया हो गया। ट्राईपॉड पता नहीं कहाँ रखा है। हाँ, ट्राईपॉड के है मेरा ट्राईपॉड ले ले आसी हुए सर। तो ये देखो, ये हमारे में चाउमीन है। पानी उबाला मैंने चाउमीन के लिए, तो इसमें डालेंगे हम पहले थोड़ा सा नमक। हाँ, बॉइल्ड ही है। तो ये मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा नमक, और अभी हम इसमें डालेंगे ये वाली चाउमीन जो कि हाँ बॉइल हुई है। हाँ, वो लकड़ी ये देखो, अब इसमें डाल देंगे हम ये। ये देखो, अब इसको हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे, क्योंकि ये ना उबाली हुई है कुछ। तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है बीच में ही, कुछ लोग बाद में भी डालते हैं उबालने के बाद, तो मैंने इसमें बीच में डाल दिया है। तो इसको बस 2-4 मिनट तक ये करेंगे बॉईल। तो ये देखिए, अभी बॉईल हो चुकी है, और अब इसको मैं ठंडे पानी से अभी तड़का लगाते हैं। तेल नहीं, बिल्कुल तेल खत्ते करो। इसमें मैंने पहले तेल डाल दिया था, वे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी आपस में। वो कई लोग ना अभी भी डालते हैं, रिफाइंड डाल दो, घी डाल दो। रिफाइंड मेरे पास है नहीं, और तेल जो है स्मेल देगा, इसलिए मैंने पहले डाल दिया था बॉयल करते हुए। अभी हमने कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तो तेल हो चुका है हमारा गरम, और जीरा होगा तो जीरा डाल देना। मैंने डाल दिया है प्याज, और साथ में डाल दी हरी मिर्च, जीरा मिर्च प्याज, और अदरक भी डाल सकते हैं आप लोग, है ना? ये देखो, तो प्याज और हरी मिर्च के जो है हम थोड़ा सा ये होने देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने देना है, ये पकाना नहीं है इनको कि बिल्कुल पका दिया, ठीक है? ये तो ये है चिली सॉस, और ये है सोया सॉस, और डालेंगे हम इसमें विनेगर भी, ठीक है? तो अभी जो हम डालेंगे इसमें सब्जियां, शिमला मिर्च, गोभी और गाजर। चलिए, अभी हम इसमें डालेंगे नमक।
नमक और थोड़ा सा मसाला और थोड़ी सी हल्दी। और अभी हम इन सब्जियों को भून लेंगे अच्छी तरह से, इनको हाफ बॉईल करना है, इनको भी हाफ ही पकाना है, नहीं कि इनको सारे पका लेना है। ठीक है, तो मैंने इनके ऊपर रख दिया है ढक्कन। अभी इनको थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा तो पकने देना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल भी कच्ची अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए हमारी चाउमीन, बिल्कुल ये देखो इस तरह से अलग अलग, ये देखो बिल्कुल भी ना चिपकने वाली, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। ठीक है, ये देखो तो ये देखो अभी हमारी सब्जियां हाफ बॉईल हो चुकी हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे सबसे पहले टोमेटो सॉस, इसके बाद डालेंगे हम चिली सॉस, इसके बाद डालेंगे हम सोया सॉस, और इसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा विनेगर। ठीक है, ये देखो बस इनको थोड़ी देर तक ऐसे ही, सब्जी ना हमारी थोड़ी सी मोटी रह गई। और अभी हम डाल देंगे इसमें अपनी चौमिन, ये देखो सारी चौमिन डाल देंगे, बिल्कुल अलग अलग है ये, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। अगर आप जो तेल ना बीच में डाल देते हो लकड़ी के, जो जू क्या देख तो क्या कर रहे हो, ये देखो हम दिखता कर रहे हो, लून पता नहीं कितना जा रहे होगा, लून चाहिए जा रहा। तो ये देखो अब मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। हाँ तो ठीक है, नमक कम ठीक है, मैं लूंगा तो बढ़िया है। हनी भी खा रहा है और हनी जा रहा है फिर कॉलेज। तो ये देखो ये मैंने डाल दिए, वाह बहुत अच्छी लग रही है, एक मिनट बताती हूँ खा के। तो चलो अभी यहाँ बैठ के आराम से खाते हैं और फिर बताते हैं आपको टेस्ट की कैसा कैसी बनी है। कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं आ गया, ग्राह ग्राह मतलब निवाला। बहुत अच्छी बनी है, हनी बोल रहा था मम्मी मेरे को ना बचा देना, कॉलेज जा रहा है ना, मेरे को बचा देना, शानू मेरे से पहले आएगा वो खा देगा सारी। तो सच्ची में बहुत टेस्टी बनी है, नमक भी ठीक है, मैंने सोचा कम होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कम है पर नहीं। मिर्चें कम है इसमें,
चिली सॉस मैंने कम डाली है। इनके पापा को भी रखनी पड़ेगी शाम को, शानू को भी। बस मेरी दरानी आएगी शायद आज, तो उसको भी खिलाऊंगी। यही था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये लास्ट में मैं मुंह में जो ज़्यादा भर रही थी ना, ये थंबनेल पिक ले रही थी, तो ये नहीं सोचना कि इतना ज़्यादा ज़्यादा खा रही थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।